कोलकाता के परेड ब्रिगेड ग्राउंड में 7 मार्च को मिथुन चक्रवर्ती ने शपथ ली थी। खुद को राजनीति का वीर बताया था, लेकिन अब वो ना तो सियासत के कमांडो बनते नजर आएंगे और ना ही चुनावी जंग लड़ पाएंगे। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में तो शामिल हो गए, लेकिन उनके चुनाव लड़ने की बात सिर्फ अटकलें ही बनकर रह गई। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों की आखिरी सूची भी जारी कर दी है, जिसमें मिथुन का नाम नहीं है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि भाजपा ने आखिरकार मिथुन चक्रवर्ती को मौका क्यों नहीं दिया। बता दें कि परेड ब्रिगेड ग्राउंड में मिथुन ने जमकर फिल्मी डायलॉग बोले थे। उन्होंने फिल्मी डायलॉग बोलकर भाजपा ज्वाइन की थी। मिथुन ने कहा था, मैं कम नुकसान पहुंचाने वाला पानी या रेत वाला सांप नहीं हूं, मैं कोबरा हूं। एक बार काटा तो आप तस्वीर में ही नजर आएंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने 7 मार्च को परेड ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया था। उस दौरान भाजपा के सूत्रों का दावा था कि मिथुन को रास बिहारी सीट से मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।